शिंदे और फडणवीस में कुर्सी के लिए छिड़ी जंग। शंकराचार्य ने पीएम मोदी को बताई अपनी पसंद। शिंदे या फिर फडणवीस, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? महाराष्ट्र में चुनाव हो गए। जनता ने मोदी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद मोदी महाराष्ट्र की जनता को मुख्यमंत्री अब तक नहीं दे पाए। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ झारखंड के नतीजे भी आए, जहां हेमंत सोरेन ने 29 नवंबर को सीएम पद की शपथ भी ले ली। लेकिन नतीजे के एक हफ्ते गुजर जाने के बावजूद मोदी अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वहीं इसी बीच बीजेपी के धुर विरोधी माने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस समस्या का एक ऐसा तोड़ निकाला है जिससे मोदी भी खुश हो जाएंगे। दरअसल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्हें मोदी विरोधी बताया जाता रहा है। यहां तक कि खुद शंकराचार्य साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार भी उतार चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद समय समय पर शंकराचार्य पीएम मोदी की तारीफ भी करते रहते हैं, यहां तक कि उन्हें अपना आशीर्वाद भी दे चुके हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद जब बीजेपी नीत महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किचकिच मची हुई है, तो वहीं इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे सपाट शब्दों में बता दिया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। जिस काशी से पीएम मोदी सांसद हैं, उसी काशी में रहने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बयान में कहा कि वो चाहते हैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनना चाहिए। देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य, क्योंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया था। इसीलिए शंकराचार्य चाहते हैं कि शिंदे को ही सीएम की कुर्सी सौंपी जानी चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए शिंदे की वकालत करने वाले शंकराचार्य से जब पूछा गया कि ज्यादा सीटों की वजह से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जा सकता है, तो इस सवाल पर अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया कि हमने तो महायुति को जीतने का आशीर्वाद दिया था, ऐसे में अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शिंदे को सीएम बनाते हैं तो अच्छा रहेगा। भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही है उस प्रस्ताव में, उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी, जिस मंच पे हमको वो कागज समर्पित किया गया था उस पे वो स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था, तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये मान लीजिए कि गौ माता के आशीर्वाद के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें दैवी आशीर्वाद। शिंदे के समर्थन में शंकराचार्य इसलिए हैं क्योंकि उन्हीं के सीएम रहते गाय को महाराष्ट्र में राजमाता का दर्जा दिया गया था और शंकराचार्य गाय के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फडणवीस को भी अगर मोदी सीएम की कुर्सी सौंपते हैं तो इसमें भी शंकराचार्य को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार तो महायुति की ही रहेगी। वैसे आपको बता दें कि शिंदे ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया, दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह सीएम को लेकर जो फैसला लेंगे वो हमें स्वीकार है,
हमें किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। राज्य के विकास के काम में साथ देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। शिंदे ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा ये भी है कि सीएम पर फंसे पेच की वजह से नाराज शिंदे अपने गांव चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ फडणवीस को सीएम बनाने की चर्चा जोरों पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम बनने के लिए फडणवीस ने साल 2019 में अजीत पवार का समर्थन लेकर भोर में जाकर शपथ ले ली और 5 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ गया, और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री होने के बावजूद साल 2022 में डिप्टी सीएम जैसे पद पर अपना डिमोशन भी स्वीकार कर लिया, तो क्या ऐसे नेता को दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? या फिर जिस शिंदे की वजह से साल 2022 में बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या कोई और नया चेहरा लाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही शंकराचार्य ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य। मंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार है भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी, जिस मंच पे हमको वो कागज़ समर्पित किया गया था उस पे स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था, तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये मान लीजिए कि गौ माता के आशीर्वाद के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है इसमें दैवी आशीर्वाद। शिंदे जो अलग हुए, देखिए लोगों ने कार्टून बनाया है और उसमें बताया है कि प्रदेश की बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने मेरे भाव को समझा, मुझे दुख है कि मेरे बेटे ने मेरे भाव को नहीं समझा। तो अब आज की तिथि में 57 सीट जिता करके, देखिए जब शिवसेना बटी हुई नहीं थी तब पिछला चुनाव हुआ था, एक साथ सब लोग लड़े थे, तब 56 सीट आई थी और अब